अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं फॉरेंसिक, स्टार्ट करने लगे हैं फॉरेंसिक में। सबसे पहले हम देखने लगे हैं पाकिस्तान लीगल सिस्टम। पाकिस्तान लीगल सिस्टम देखने से पहले हम देख लें कि फॉरेंसिक कहाँ से निकला है। फॉरेंसिक मेडिसिन में दो लफ्ज है ना, एक तो फॉरेंसिक है और एक मेडिसिन है। फॉरेंसिक का क्या मतलब है? फॉरेंसिक जो वर्ड है वो दरअसल एक लैटिन वर्ड फॉरम से निकला है, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। और मेडिसिन, और इसकी अगर फॉरेंसिक मेडिसिन की कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? मेडिकल इफेक्ट ऑफ लॉ, ठीक है। फॉरम लॉ हो गया, ठीक है, कोर्स ऑफ लॉ। लॉ फॉरम का क्या मतलब है? लॉ, और मेडिसिन मेडिकल, ठीक है। मेडिकल इफेक्ट ऑफ लॉ को हम कहते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। मतलब हमें लॉ और मेडिसिन का जो रिलेशनशिप है ना, वो स्टडी करना है इन द फॉरेंसिक। फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए और भी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। लीगल मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है इसके लिए वर्ड, स्टेट मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है, मेडिकल ज्यूरिप्रूडेंस भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा साइंस और फिलॉसफी ऑफ लॉ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए वर्ड। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें हम तो वो क्या है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ लॉ एंड फर्दरिंग ऑफ जस्टिस। मतलब मेडिसिन की वो ब्रांच है जो डील करती है, जिसमें हम मेडिकल नॉलेज को यूज़ करते हैं किसके लिए? लॉ के पर्पज़ के लिए और जस्टिस के लिए, ठीक है। कानून लागू करने के लिए और इंसाफ की बालातरी के लिए, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस करना है बेसिकली? लॉ, तो हमें पता होना चाहिए लॉ क्या होता है। लॉ क्या होता है? एनी रूल ऑफ एक्शन विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय थ्री थिंग्स। कोई काम करने का कोई ज़ाबता असूल, काम करने का जो असूल होता है वो ऐसा असूल जो तीन जगह इस्टेब्लिश हो सकता है। इसको कोई जनरल अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश कर सकती है, इसके अलावा सोसाइटी में, और इसके अलावा जो रवायात चलती हैं कस्टम्स, ठीक है। और ये इसकी बेसिस जो होती है ना किसी रीज़न पर, किसी ना किसी वजह पर होती है। ला होता है वो किसी ना किसी वजह से होता है। अगर तो ला में रीज़न नहीं है तो वो ला नहीं होता, ठीक है। एनी रूल ऑफ एक्शन इस्टेब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, बाय एन अथॉरिटी, सोसाइटी, कस्टम्स विच बेस्ड ऑन रीज़न। ला इज नथिंग बट रीज़न। मैंने पहले बताया ला कुछ भी नहीं है, रीज़न है, ठीक है। और ऐसी चीज़ जिसकी कोई रीज़न ना हो वो ला नहीं होता। Law is nothing but reason, and that but is not reason is not law, ठीक है। अब law की application देखते हैं किन किन पर होती है। law हर तरह के काम पर हो सकती है, ठीक है। हर तरह के all time current के actions पर लागू होता है law, ठीक है। वो laws अब लाजमी नहीं है कि animals पे होता है, to all kinds of actions लॉ अप्लाई होता है ऑल काइंड ऑफ एक्शंस पे, ठीक है। वो चाहे एनिमेट पे एक्शन जो है वो चाहे एनिमेट नेचर का है, चाहे इन एनिमेट नेचर का है, ठीक है। इसके अलावा चाहे जो वो एक्शन वो रैशनल है चाहे इरेशनल है, मतलब या तो किसी वजह से है या बगैर किसी वजह से है, लेकिन कानून तो लागू होना ही होना है। इसके अलावा बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लॉ की। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की बेस पर ना हम लॉ को हम डिवाइड करते हैं तीन मेन कैटेगरीज में, कॉमन लॉ और स्टैट्यूट लॉ, ठीक है। इसके अलावा बाकी अदर्स लॉ होते हैं, ठीक है। कॉमन लॉ के और स्टैट्यूट लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या है कि कॉमन लॉ जो होता है वो अनरिटन होता है, और जो स्टैट्यूट लॉ है वो रिटन होता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन लॉ को। कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ एक अनरिटन, ठीक है, अनरिटन फॉर्म में एक लॉ होता है। मतलब एक सोसाइटी में कहीं भी रहते हुए कोई चीज़ उसी तरह लागू होने लग जाए तो उसको हम कॉमन लॉ कहते हैं, लेकिन वो कहीं डॉक्यूमेंट पे लिखा नहीं होता कि ये एक लॉ है। एन अनरिटन एंड जनरली अप्लाई सिस्टम ऑफ लॉ बेस्ड ऑन, अब किस चीज़ों पर बेस करता है, इसकी बेसिस क्या क्या होती है? बेस्ड ऑन कंडक्ट, डिसीजंस, यूसेज, कस्टम्स, रवायात पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ मुसलसल यूज़ हो रही है
तो उसकी वजह से भी मतलब एक काम मुसलसल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी वो कॉमन लॉ में की कैटेगरी नहीं आ सकता है। इसके अलावा डिसीजंस और कंडक्ट, अभी जो कॉमन लॉ होती हैं इनकी दो एग्जांपल्स हैं पंचायत और जरगा सिस्टम। जरगा सिस्टम हमारे रूरल एरियाज़ में होता है, और इसके अलावा जो पंचायत है ना वो भी पंजाब के एरियाज़ में होता है। पंचायत को नाम से जाहिर है कि ये 5 मेंबर्स पे, पंचायत सिस्टम में 5 मेंबर्स ऑफ जो गांव के बड़े बड़े 5 होते हैं उन जो काबिले भरोसा होते हैं वो बैठते हैं और किसी मसले का हल निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्टैट्यूट लॉ। स्टैट्यूट लॉ क्या होता है? एनी रिटन फॉर्म, जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कोई जो लॉ है ना तो उसे हम कहते हैं स्टैट्यूट लॉ। अब स्टैट्यूट लॉ में दो तरह से हो सकते हैं, सिविल लॉ हो सकता है, क्रिमिनल लॉ हो सकता है, ठीक है। स्टैट्यूट लॉ क्या है, मैं पहले बता दिया, रिटन एंड कॉपीड लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है, रिटन एंड कोडिफाइड लॉ ऑफ द कंट्री को हम स्टैट्यूट लॉ कहते हैं। अच्छा अब ये बनता कैसे है, इसका ऑर्डर कहाँ से आता है? इट इज़ ऑर्डर्ड बाय एन रूलर, ठीक है, इसे रूलर ऑर्डर करता है। या अब ये बनता कैसे है, जो स्टैट्यूट लॉ है ना, या तो ये जो हुकूमत कर रहा है ना बंदा जो भी है रूलर है उसने डायरेक्ट बना दिया, या जो गवर्नमेंट है ना उसकी जो कानून साज असेंबली है वो बनाती है, ठीक है। अब अगर तो इसको रूलर बनाता है, मतलब रूलर ने कह दिया कि ये ऑर्डर, तो फिर उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन अगर इसको अब ऑर्डिनेंस जो होता है ना वो एक्ट बन जाता है जब गवर्नमेंट की कानून साज असम्बली से पास कर दे। अगर इट इज़ ऑर्डर्ड बाय अ रूलर तो देन इट इज़ नोन एज ऑर्डिनेंस, और अगर ये लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कानून साज असम्बली है वो पास करे तो उसको हम कहते हैं फिर कि ये जो स्टैट्यूट लॉ है ना ये एक एक्ट बन गया है। अब ऑर्डिनेंस की इसकी ऑर्डिनेंस की एग्जांपल में कौन सा बताया हुआ है? अच्छा ये ऑर्डिनेंस की एग्जांपल में बताया हुआ है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन ऑर्डिनेंस होता है। ये जो होता है ये जो हुकूमत करने वाला है ना वो खुद ही करता है, ऑर्डर करता है। इसके अलावा एक्ट की जो एग्जांपल्स है ना उसमें क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020। ये दो ही एग्जांपल उसकी बताई हुई हैं, कौन कौन सी थी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 और इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021। इसके अलावा 2020 के दो हैं जो एक्ट के तौर पे करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020। स्टैट्यूट लॉ हमने पढ़ लिया। स्टैट्यूट लॉ की टाइप्स देखते हैं, दो इसकी टाइप्स होती हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। हम अब पहले देखते हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ जो होता है ना वो पर्सन के रिलेटेड होता है, ठीक है, मतलब पूरी सोसाइटी के रिलेटेड नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, ये डील करता है राइट ऑफ द सिटीजन, ठीक है, शहरियों के हकूक़ के लिए डील करता है, और ये एक पर्टिकुलर स्टेट में भी हो सकता है और पूरी नेशन के मुतालिक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसका मतलब इसका अब होता है कि ये डील तो इसे करता है, ये रेमेडीज प्रोवाइड करता है जो इन पर्सनल ग्रीवेंस की, ठीक है। अब जो पर्सनल ग्रीवेंस की जो के लिए रेमेडीज प्रोवाइड करता है वो इंडिविजुअल्स के लिए भी, एक अकेले इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है और इसके अलावा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकती है। अगर इकट्ठी बात करें तो प्रोवाइड रेमेडीज फॉर पर्सनल ग्रीवेंस ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। और इसमें जो डैमेज है ना वो कंपनसेट कैसे किया जाता है, इसका जो डैमेज है कंपनसेट किया जाता है मनी की फॉर्म में, ठीक है। सिविल लॉ का जो डैमेज है वो कंपनसेशन उसी क्या है, वो मनी की फॉर्म में कंपनसेट की जाती है। इसके अलावा बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स की, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, ठीक। इसके अलावा ट्रेसपास प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्जा कर लेना। इसके अलावा विल्स एंड इनहेरिटेंस, वसीयत वगैरह के जो केसेस होते हैं। डिफेमेशन, किसी की इज्जत पर हमला करना, किसी को
किसी को डीफेम करना, इसके अलावा नेग्लिजेंस, फैमिली लॉस और नॉइजेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इनडिसेंसी फ्रॉम द अदर्स, दूसरों की तरफ से इनडिसेंट बिहेवियर्स को कहते हैं। हमने देख लिया सिविल लॉ, हम अब देखते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, बॉडी ऑफ लॉ डेफिनेशन एग्जैक्ट देख लें, बॉडी ऑफ लॉ विच एग्जिस्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ गवर्नेंस विद द स्टेट, ठीक है, विद इन द स्टेट, स्टेट में गवर्नेंस की बेटरमेंट के लिए लॉज एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। मतलब स्टेट में स्टेट की बेहतरी के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं क्रिमिनल लॉज, ठीक है। इट इंक्लोज ऑल ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉ, हर जुर्म जो कानून को, कानून के खिलाफ कुछ भी किया जाए ना तो उसमें वो क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में आता है। पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस इसका होता है, पर्पस इसका क्या होता है, इसके दो पर्पसेस होते हैं कि ये कम्युनिटी में इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा अपनी सोसाइटी में पीस अमन को बरकरार रखने में हेल्प करता है। हेल्प करता क्या मतलब, यही करता है, अगर किसी को किसी चीज़ का कोई चोरी वगैरह कर ली है तो उसका ला नहीं होगा तो किसी, हर कोई जो मुँह उठा के करी जाएगा तो अमन तो नहीं ना होगा, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट क्या होती है, इसकी जो कंपनसेशन, इस क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट किसी ने कोई काम किया मतलब ऑफेंस का, तो उसमें क्या होता है कि या तो उसे फाइन देना पड़ता है या उसको कैद हो सकती है या डेथ सेंटेंस भी होती है, डिपेंड करता है कि केस कैसा है, ठीक है। और इसके बरक जो सिविल लॉ था ना उसमें जो कंपनसेशन थी वो जस्ट मनी से हो रही है, ठीक है। क्रिमिनल केस की एग्जांपल्स या देख लें कौन कौन सी हो सकती है, मर्डर, कत्ल हो गया, ठीक है, रोबरी, डाका पड़ गया, होमिसाइड, किसी का कत्ल कर किसी को, इसके अलावा चोरी हो गई है, फिजिकल इंजरी, रेप और कारनेपिंग। इस्लामिक लॉ, अदर्स लॉ मैंने आपको कहा था, ठीक है, अदर्स लॉ मैंने कहा था जो लॉज हैं उसमें सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सॉरी कॉमन लॉ, स्टेट्यूट लॉ और अदर लॉज होते हैं। स्टेट्यूट के आगे से दो टाइप्स होता है, सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज, ठीक है। अब अदर्स लॉज में जो इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ क्या होता है, इस्लामिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड होली कुरान और सुन्ना की जो बेस पे लॉज बनते हैं उनको इस्लामिक लॉ कहते हैं, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, ये क्रिमिनल लॉज भी हो सकते हैं और सिविल लॉज भी हो सकते हैं। इन कंस्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का जो कानून दस्तूर है ना उसमें लिखा जाता है कि जो सारे के सारे कानून है ना उसका जो जो वो है ना वो उसका तमाम जो कानून है वो कुरान और सुन्नत की पासदारी के, जो कुरान और सुन्ना में बताए गए हैं उसके मुताबिक ला बनाया जाए, ये हमारे दस्तूर में शामिल है। इस एग्जांपल में कौन सा है कि हदूद ऑर्डिनेंस, इसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, कौन कौन से हैं, हदूद ऑर्डिनेंस एंड मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस।